हेलो फ्रेंड्स, आवर एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए आज हम मैथ्स में बोर्ड एक स्टूडेंट्स को पॉइंट करते हुए क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स स्टार्ट करते हैं, और जो भी डाउट सेक्शन होंगे उनको मैं अलग प्लेलिस्ट में आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसका वीडियो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करूं। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग रियल नंबर, ओके, और हम जानेंगे द कॉन्सेप्ट हिडन बिहाइंड इट, ओके। सो लेट स्टार्ट द रियल नंबर, रियल नंबर्स। नंबर सिस्टम में नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है माय डियर फ्रेंड्स, एक तो इमेजिनरी नंबर और एक है रियल नंबर। हमें यहाँ क्लास टेंथ के अकॉर्डिंग रियल नंबर को स्टडी करना है। हम लोग आगे देखेंगे रियल नंबर को कैसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, और वो है फर्स्ट वन इज रैशनल नंबर, वन इज रैशनल नंबर and other is irrational number। Okay my dear friends, one is rational and one is irrational number। इस यूनिट में द बेसिक कॉन्सेप्ट हमें इसी का बताया गया है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर क्वेश्चंस रेशनल और इरेशनल के कॉन्सेप्ट्स में ही हिडन होते हैं। हमें इसका कॉन्सेप्ट पहले जानूंगा, हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और साथ में इसका कॉन्सेप्ट भी उसी समय समझते चलेंगे। तो देखेंगे दोस्तों रेशनल नंबर किसे कहेंगे, तो दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। वो नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, एज यू नो इट वेरी वेल। हम लोग एक कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं, चूँकि बोर्ड स्टूडेंट्स सारी चीज़ें पढ़ाई कर चुके हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग हम लोग कंप्लीट एक रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन एट ए ग्लांस कर रहे हैं और साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी हम लोग करते चलेंगे। तो देखते हैं कि रेशनल नंबर हम लोग कहते हैं उनको जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे कि रेशनल नंबर को भी आगे दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, इंटीजर्स में इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। माय डियर फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि इंटीजर्स क्या होता है और फ्रैक्शंस क्या होता है, और कैसे फ्रैक्शंस को हम लोग डिफरेंट पार्ट में कैटेगराइज करके समझते हैं, ठीक है। इंटीजर्स वो होता है जिसको हम लोग नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल जीरोस पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स ऑन नंबर लाइंस आर व्हाट, इंटीजर्स। कॉन्सेप्ट यहाँ देखिए, अगर हम लोग वन से कंसीडर करते हैं, वन टू पॉजिटिव फॉरवर्ड नंबर्स, तो वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, और फ्रॉम जीरो से हम लोग कंसीडर करते हैं तो वो होल नंबर्स कहलाते हैं। तो एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था इंटीजर्स का, इट मींस कि ऑल द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई पी बाई क्यू, ना सारे नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन के सारे नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। अब हम लोग देखेंगे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को माय डियर फ्रेंड्स तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और थर्ड इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं
कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगा, इसका हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ समझते हैं। यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगा कि अगर हम लोग एक नंबर है जो a बाई बी के फॉर्म में है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो अगर प्रॉपर के अगर केस कंडीशन हम जानेंगे, तो अगर a लेस देन b होगा, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तब वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 1/2 और 2/1 का अगर हम लेकर चलें, तो यहाँ पर 1/2 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, वाइल अगर a ग्रेटर देन b, यानी कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि इसको हम लोग एज इट इज़ पॉजिटिव इंटीजर भी हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। मिस फ्रैक्शन में हम लोग जानते हैं कि एक थर्ड कैंडिडेट इंक्लूड हो जाता है, a इज टू b अपॉन c, वेयर a इज द मल्टीपल ऑफ दिस वन। तो एक स्लाइड छोटा सा कॉन्सेप्ट था, है ना, रेशनल नंबर का, कि ऑल नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म आर रेशनल नंबर। लेकिन इरेशनल का कॉन्सेप्ट हम कैसे समझेंगे, कि जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसको हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो इरेशनल नंबर है। तो क्या सिर्फ इतना ही रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट क्लियर करता है? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हम लोग और आगे डेसिमल नंबर्स के कॉन्सेप्ट से समझते हैं, तब हमें जाकर के रेशनैलिटी और इरेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो हम लोग आइए देखते हैं डेसिमल नंबर्स। डियर फ्रेंड्स, डेसिमल नंबर को भी हमें यहाँ दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, और यही इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे हम लोग मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर कंप्लीट करते हैं। देखिए, इसको टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में रखा गया है, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर्स या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किसको कहेंगे, जो डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट कर जाए, आफ्टर 2, 3, 4 एंड सर्टेन डिजिट, एक पर्टिकुलर डिजिट के बाद वो स्टॉप कर जाए, तो वो टर्मिनेटिंग टाइप होता है। मींस दैट कि ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स है, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, उसको हम कह सकते हैं कि p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, और अगर वो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, तो वो रेशनल नंबर होगा। आइए देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी टर्मिनेटेड आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स। डेसिमल के बाद वो खत्म नहीं होगा, उसका डिजिट्स कंटिन्यू चलता रहेगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप होगा। बट नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो केस अराइज होता है, उसको हम लोग देखेंगे, और वो है, एक है रिपीटिंग नंबर यानी रिकरिंग नंबर्स, रिपीटिंग नंबर्स जिसको हम लोग रिकरिंग नंबर्स भी कह सकते हैं, रीअकरिंग, ओके, रिकरिंग नंबर। इसमें क्या होता है, डिजिट रिपीट करता है, सेम डिजिट अगर रिपीट करे अगेन एंड अगेन, यहाँ देखिए 3-3 डिजिट रिपीट कर रहा है, है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है, सिंगल डिजिट भी रिपीट कर सकता है, 2 या 3 या 4 या 5 डिजिट भी रिपीट कर सकता है। तो ये सारे क्या होंगे, रिपीटिंग नंबर्स। यानी रिपीटिंग नंबर्स में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे 0.3 बार लगा करके उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि अभी भी हम कह सकते हैं कि डेसिमल्स, ऑल डेसिमल्स इवन आफ्टर हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, है ना, टर्मिनेटिंग तो हम लोग टर्मिनेटिंग को तो हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करके रैशनल नंबर समझ गए, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग को भी जो रिपीटिंग टाइप है वो क्या होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो रैशनल नंबर होगा। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, एक और टाइप है इसका, नॉन रिपीटिंग, जिसको हम लोग नॉन रिकरिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, नॉन रिकरिंग नंबर्स।
ठीक है, यानी कि ना तो ये रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट कर रहा है. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 0.1 2 6 7 8 9 व्हाटएवर, है ना, डिजिट्स आर नॉट रिपीटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग. तो हम लोग इसको, यही एक केस बनता है जो इरेशनल का कॉन्सेप्ट देता है, यानी कि इस डेसिमल को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते. इसलिए हम कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स. तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट, बेसिकली दिस ये स्ट्रक्चर आपका जो है वो रियल नंबर का इरेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट क्लियर करता है. जहाँ हम लोगों ने देखा कि इरेशनल नंबर्स में ऑल इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स हैं, बट इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट में सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स आता है, क्योंकि हम लोग इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. आपके लिए एक एग्जाम्पल है पाई. पाई के कॉन्सेप्ट से हम लोग समझेंगे कि वाई द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 इज रैशनल बट द वैल्यू ऑफ पाई इज इरेशनल नंबर. पाई इज इरेशनल बट द वैल्यू ऑफ पाई इज रैशनल नंबर. हाउ? तो हम लोग इसके नंबर्स को जानेंगे. जब तक आप इसको पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं. तो आइए दोस्तों देखते हैं. पाई की वैल्यू होती है 3.1415926 ऐसे कंटिन्यू होते चला जाता है, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है, बट ऑल्सो द डिजिट्स आर नॉट रिपीटिंग, यानी कि ये केस है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स, यानी कि हम लोग इस वैल्यू को इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि ये क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है. वेल यहाँ पर देखिए 22/7 को जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो हमें मिलता है 3.142857, यानी कि आफ्टर सिक्स डिजिट है ना द ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है. इट मीन्स वी कैन कन्वर्ट दिस वन इन दिस फॉर्म. दैट इज द रीजन व्हाई इट इज रैशनल. मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, कि पाई के इस कॉन्सेप्ट से तो हम लोग ने समझ गए कि डेसिमल में कैसे डेसिमल एक्सपेंशन से हम लोग पाई को इरेशनल और 22/7 उसकी वैल्यू को हम लोग रेशनल नंबर में समझे. पाई कहाँ आता है? पाई जहाँ पर भी सर्कल इंक्लूड होगा है ना, वहाँ पर पाई आता है, क्योंकि हम जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि पाई क्या होता है, सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर. पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर. मीन्स लेबोरेटरी में और साइंटिस्ट ने जब मेजर किया था, चाहे वो स्मॉल सर्कल हो या लार्ज सर्कल, जब इसकी वैल्यू इस रेशियो में रखी गई थी है ना, तो हमें इसकी वैल्यू ये मिली थी. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है. इस कॉन्सेप्ट से एक दो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, और जो प्रीवियस एग्जाम्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट आए हुए थे उस क्वेश्चन को भी हम लोग समझेंगे आगे के नेक्स्ट पार्ट में. चूँकि वीडियो लंबा हो जाता है माई डियर फ्रेंड्स, तो वीडियो लंबा होने के कारण अपलोडिंग प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जल्द से जल्द अच्छा वीडियो प्रोवाइड करें जैसे ही हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाता है. थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स, धन्यवाद. आगे के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे. थैंक यू.